नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस विमान पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से अब भारत विकास के रास्ते पर निकल चुका है। भारत की हर सेनाएं लगातार मजबूत होती आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां पर वो सेना की तारीफ ना करें। इसी कड़ी में वो कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे और यहां पर तेजस विमान से उन्होंने उड़ान भरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कर्नाटक के दौरे पर थे। पीएम शनिवार की सुबह बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की साइट पर पहुंचे। वहां उन्होंने तेजस जेट सहित उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की समीक्षा की और मुआयना किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना निकल गए, लेकिन तेलंगाना में पीएम जनसभा को संबोधित करने से पहले जिस तरीके से बेंगलोर पहुंचे उसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में लिखा है, कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। चार तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि तेजस में उड़ान भरने के बाद उन्हें किस तरीके से गर्व महसूस हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में लिखते हैं, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट किया था, वो ट्वीट उन्होंने इंग्लिश में किया और उन्होंने उसके साथ भी चार तस्वीरें शेयर की। इंग्लिश में जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें आपको मैं बता दूं कि क्या कुछ कहा है। उन्होंने लिखा है, तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की। यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था जिसने हमारे देश को स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया और हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में मुझमें नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना पैदा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरने के बाद ये ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आपको इसके साथ ही जानकारी देते चलें कि हाल ही में 12 एडवांस सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली HAL को टेंडर जारी किया गया था। इन्हीं सब चीज़ों का मुआयना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे। वहीं दूसरी तरफ खबरों के अनुसार मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 83 LCA MK-1A एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है। डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होगी। LCA MK-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। LCA तेजस का अब तक का सबसे एडवांस और अधिक घातक संस्करण है और इसीलिए दुनिया के तमाम देश तेजस को खरीदना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बेंगलोर पहुंचे, तेजस में उड़ान भरी, उन्होंने उसकी तारीफ की, तस्वीरें शेयर की, ट्वीट करते हुए बताया कि उनको किस तरीके से गर्व महसूस हो रहा है, भारत लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।